शादी। भारत में शादी को सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। शादी दो लोगों, दो परिवारों और दो दिलों का मेल होता है। इस बंधन में बंधकर पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड सितारों ने भले ही बॉलीवुड की कई फिल्मों में अनेकों शादियां की हो, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने असल जिंदगी में शादी नहीं की है। आज हम आपको इस वीडियो में बॉलीवुड सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं की है शादी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आशा पारेख। अपने समय में सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल आशा पारेख ने भी कभी शादी नहीं की है। वैसे तो कई बार इनका नाम निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जोड़ा गया है, तो वहीं आशा पारेख ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती थी, लेकिन वह शादी नहीं कर पाई। सुलक्षणा पंडित। गीतकार और एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली सुलक्षणा ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया है। इन्होंने अपनी पहली फिल्म उलझन में संजीव कुमार के साथ काम किया था। बाद में इनको उनसे प्यार हो गया और संजीव कुमार से प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कुछ दिनों बाद ही संजीव कुमार की मृत्यु हो गई, जिसका इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अनु अग्रवाल। दोस्तों, आप सबने 1990 में आई फिल्म आशिकी को तो शायद जरूर देखा होगा, जो रातों रात सुपरहिट हो गई थी। इस फिल्म की एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भी इस लिस्ट में शामिल है। इस अभिनेत्री की बॉलीवुड में बस ये एक ही फिल्म चल पाई। इसके बाद इनकी फिल्में आई तो, लेकिन वो चल न सकी और ये बॉलीवुड से गायब सी हो गई। अब ये फिर एक बार सुर्खियों में आई है, वो भी अपनी आत्मकथा के कारण, जब पता चला कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन ने भी अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी है। इतना ही नहीं, इन्होंने शादी भले ही न की हो, पर यह अपने आप को सिंगल नहीं रहने देती है, क्योंकि बिना शादी किए ही इन्होंने दो बेटियों को गोद ले रखा है। तब्बू। तब्बू उर्फ तबसुम हाशमी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी है, जैसे कि हेरा फेरी, हम साथ साथ हैं, साजन चली ससुराल आदि। इन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है। इनका नाम एक बार साजिद नाडिया डवाला के साथ जोड़ा गया था, लेकिन कुछ घरेलू मतभेद के कारण ये रिश्ता नहीं हो पाया। अमीषा पटेल। बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है थी, जो बहुत ही हिट हुई और इसके बाद भी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन अब ये 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। कहा जाता है कि इन्हें एक बार विक्रम भट्ट से प्यार हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्रेकअप हो गया और नतीजा ये अभी तक कुंवारी है। सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और बहुत पैसा भी कमाया है, लेकिन फिर भी आज ये सिंगल हैं। ये 50 की उम्र पार कर चुके हैं, जिसके चलते मीडिया में हर कोई पूछता है कि आखिर सल्लू भाई शादी कब करोगे। वैसे तो इनका नाम बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ आदि, पर सलमान खान शादी के नाम पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि सलमान खान शादी कब करेंगे या नहीं करेंगे। कपिल शर्मा। दोस्तों, साल 2015 में
कपिल शर्मा ने किस किस को प्यार करूं से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बीते साल दिसंबर में इनकी एक और फिल्म फिरंगी रिलीज हुई थी। यह भी बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वरुण धवन। दोस्तों, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाने वाले वरुण धवन भी इस लिस्ट में शामिल है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाले वरुण धवन ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे मैं तेरा हीरो, बदलापुर, डिशुम, बद्री की दुल्हनिया आदि। 31 साल के वरुण धवन ने अभी तक शादी नहीं की है। रणबीर कपूर। यह बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता हैं, जिन्होंने अनेकों सुपरहिट फिल्में दी हैं। अक्सर इनका नाम किसी न किसी अभिनेत्री के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अभी तक इनको अपना जीवन साथी नहीं मिला है। नरगिस फाखरी। दोस्तों, भारत की ग्लैमरस एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली नरगिस फाखरी भी इस लिस्ट में शामिल है। वैसे तो ये अमेरिका में मॉडलिंग करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने बॉलीवुड में अच्छी पहचान बनाई है। 38 साल की हो चुकी नरगिस फाखरी ने भी अभी तक शादी नहीं की है। अक्षय खन्ना। विनोद खन्ना के बेटे ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। ये बॉलीवुड की काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन एक सफल अभिनेता नहीं बन सके। यही नहीं, अभी तक तो इन्होंने शादी भी नहीं की है। उदय चोपड़ा। बॉलीवुड की मोहब्बतें, धूम जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है उदय चोपड़ा ने, लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिली, जिस कारण इनकी गिनती एक फ्लॉप एक्टर्स में होने लगी है। इन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है। हरमन बावेजा। दोस्तों, साल 2008 में लव स्टोरी 2050 से अपना बॉलीवुड फिल्मी करियर इन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा भी इन्होंने कई फिल्में की हैं, लेकिन इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। यह एक समय देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, जो अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं, पर इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।